इन बच्चों को खेलते देखकर अपना बचपन याद आ गया। हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जिंदगी के असल मजे से आप तब लुत्फंदोज होते हैं जब आपको जिंदगी के असल हकीकत का नहीं पता होता। ये बच्चे आज जो खेल रहे हैं इनको जिंदगी की हकीकत का नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, कितनी जिम्मेदारियां हमारे सिर पे आ जाने वाली हैं और वगैरह वगैरह। मतलब जैसे ही जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है इंसान के ऊपर तो ज़िंदगी बेमज़ा सी हो जाती है। देखते ही देखते ये 4, 5, 10 और 12 साल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चल पाता इनको कि हमारा बचपन गुजरा तो कैसे गुजरा, हम कब बड़े हो गए, हमारी दाढ़ी कब कैसे आई। और यूं ही देखते देखते जैसे मेरे कैमरे का एंगल खाली दिखने लगा है वैसे ही ये दुनिया खाली हो जाती है यहाँ पे बसे लोगों से, इंसानों से एक दिन दुनिया खाली हो जाएगी। आज जो आप ये बच्चे देख रहे हैं खेल कूद में मसरूफ़, मुझे आज भी याद है बल्कि कल का ही दिन लगता है कि मैं भी एक ऐसा बच्चा था जिसे बहुत जल्दी बड़ा होने की ख्वाहिश थी कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं। एक तो मैं बड़ों की मार से परेशान हुआ, दो तो बड़े लगा लेता है कि सुधर जाओ, शैतानी ना करो वगैरह वगैरह, और जो बड़े होने की जो ख्वाहिश थी वो दिन ब दिन बढ़ती रही। उसके बाद फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ समझ में आने लगी और ज़िंदगी की असल हकीकत के मतलब एक दिन मर जाना है और मरने से पहले ढेर सारी नेकियां आपने बटोर लेनी है और अल्लाह को एक तरह से खुश करके इस दुनिया से वापस चले जाना है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो जैसे ये बात समझ में आ गई, बचपना ख़त्म हो गया, ज़िंदगी का मज़ा चला गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई रिश्तों की मिठास ख़त्म होती गई, हर रिश्ते ने वक्त के साथ साथ अपनी औकात दिखाने में कोई कसर न छोड़ी। ये सब मेरे साथ नहीं हुआ बल्कि दुनिया की हकीकत बता रहा हूँ कि हर इंसान के साथ ऐसा होता आ रहा है। बहुत ही कम या फिर ना होने के बराबर लोग हैं दुनिया में जिनको किस्मत कह लें उनकी शायद, कि उनको किस्मत से हर खुशी मिल जाती है और ज़िंदगी के हर रंग से मज़ा ले लेते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके अगर बच्चे हैं और वो 10 साल की एज से कम है तो काइंडली उन्हें किसी भी काम से रोकिए मत जिससे उनको खुशी मिलती है, जिनको खुशी का एहसास होता है उस काम के करने से। जैसे कोई खेल कूद की एक्टिविटी हो गई, कोई गेम खेलना चाह रहा है, कोई ये जो बच्चे होते हैं ना आजकल के जो बहुत ही शरारती कहलाए जाते हैं, जो गालियाँ भी देते होते हैं छोटी एज में और हम कहते हैं अरे बड़ा होके बड़ा लोफर बन जाएगा ये बंदा, बड़ा होके ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, माँ बाप का नाफरमान, ये सारी बातें इंसान को एज के साथ साथ समझ में आ रही होती है। तो बच्चों को किसी भी काम को करने से रोकिएगा नहीं, ठोकिएगा नहीं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ अपने आप बढ़ती हुई एज के साथ इंसान को समझ में आती है। इससे पहले कि आपके बच्चों का बचपन छिन जाए उनके हाथों से तो उन्हें किसी भी काम को करने से रोके मत। मैंने अक्सर औकात साइकोलॉजिकल बुक्स में से ये रीड किया है कि जो बच्चे शरारती होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और जो बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें शरारत नहीं करने देते, हर बात पे टोकते रहते हैं, उनको मारपीट होती रहती है उन बच्चों के साथ, तो वो हमेशा इंट्रोवर्ट रहते हैं और एक तरह से शर्मीले से होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता और लाइफ में वो बनिस्बत और बच्चों के ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। भले ही आपकी लाइफ का कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना चल रहा हो लेकिन बच्चों को टाइम ज़रूर दे दिया करें, ये उनका हक है आपके ऊपर। जो लोग कहते हैं कि मैं बिज़नेस संभालूं या बच्चों को, या फिर काम करूं या बच्चों को टाइम दूं, भाई आप कमा किस लिए रहे हो? इस बात में तो बड़े फ़खर से बता रहे होते हैं कि हम कमा किस लिए रहे हैं, आफ्टर ऑल बच्चों के लिए। तो भाई बच्चों को आपके पैसे से ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है, वो आपके वक्त के तलबगार रहते हैं। तो काइंडली बच्चों को टाइम दे दिया करें और उन्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी वो करना चाहे वो करने दे दिया करें, ताकि आपके बच्चे कल को बड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाए कि मेरा बचपन अच्छा गुजरा। Please subscribe my channel. Thank you.